हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं यहाँ पे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए हूँ। तो मैं पहले तो बता दूँ कि मुझे कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं, अगर आप मेरा पढ़ाया हुआ कर लेते हैं और उसको बार बार प्रैक्टिस पर डालते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं अपने कोर्स की, तो मेरे कोर्स का ड्यूरेशन 70 आवर्स रहेगा और जिसमें कि हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे जो आते हैं मैं एग्ज़ाम में, एमएनसी एग्ज़ाम में या गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। और मेरे कोर्स का ड्यूरेशन 70 आवर्स है। फिर जो मैं क्वेश्चंस जो मैं आपको शीट दूंगा, उसमें 1200+ क्वेश्चंस होंगे। तो जो क्वेश्चंस रहेंगे, मैं पहले तो क्लास में ही सॉल्व कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट हैं, और या जिनमें टाइप बनना है, वो टाइप अलग अलग टाइप के हैं, उनको मैं पहले सॉल्व कराऊंगा। लेकिन अगर उसके अलावा भी जो क्वेश्चन बच जाते हैं, वो आप अपने एंड पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई डाउट आता है इनकेस, तो वो आप संडे को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हम लोग डिस्कस डाउट में सेशन में कर लिया करेंगे। लेकिन अगर मैं इन क्वेश्चंस की बात करूँ, 1200 क्वेश्चंस की, अगर मैं इनको अगर मैं खुद ही सॉल्व कराता हूँ, तो 60 आवर्स की ड्यूरेशन और बढ़ जाएगी, तो बैच बहुत लंबा खिंच जाएगा। और वो क्या कहते हैं, ऐसा करना पॉसिबल बहुत टाइम में पॉसिबल हो पाएगा, हो तो जाएगा। तो मैं इसलिए चाहूँगा कि पहले तो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ, फिर उसके बाद आप लोग इनको प्रैक्टिस करें, और जो आपको डाउट बच रहे हैं वो आप लाएं और संडे को हम लोग उनको डिस्कस कर लिया करेंगे। अब मैं बात करूँ अपनी क्लास की, तो मेरी क्लास डेली 2 आवर्स की रहेगी। मेरी क्लास डेली 2 आवर्स की रहेगी, मंडे टू सैटरडे। और उसके अलावा जो संडे की क्लास रहेगी, वो 4 आवर्स की रहेगी, जिसमें हमने जो पूरे वीक के इंटरवल में जो कुछ भी पढ़ा है, उसके क्वेश्चंस जो आप डाउट लाओगे, और जो उसके क्वेश्चंस बच गए हैं, जैसे इंपॉर्टेंट और हैं जो, या मुझे मैं और कलेक्ट कर पा रहा हूँ, तो उनको भी डिस्कस कर लिया करेंगे। और इसके अलावा संडे का टाइम 4 आवर्स इसलिए भी रखा गया है कि जैसे कैलकुलेशन की ट्रिक्स होती हैं, तो जैसे डिजिटल सम हुआ और क्या कहते हैं यूनिट डिजिट हुआ, तो उसमें वो क्या कहते हैं ट्रिक्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन का टाइम, आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। अगर ऑप्शंस अलग अलग हैं जिनमें डिजिटल सम अलग अलग है या यूनिट डिजिट जिनमें अलग अलग है, तो और मैं जो ये सिलेबस जो मेरा कोर्स रहेगा वो एग्ज़ाम्स को कवर करेगा। जैसे सभी एमएनसी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस एक्सेट्रा, जो कंपनी एग्ज़ाम लेती है, उन सभी को ये कवर करेगा जिनमें एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आती है। इसके अलावा जो गेट में भी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग बनती है, उसके लिए भी एक कोर्स बेनिफिशियल है, और सीडेक के एग्जाम में भी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आती है। तो मतलब और कहने की बात यह है कि जिन पेपर में भी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का ये वाला जो सिलेबस आता है, उन सब के लिए एग्जाम बेनिफिशियल होगा। जैसे कि इसके अलावा जो एग्जाम बनता है, वो पॉपुलर कंसल्टेंसी टेस्ट का होता है। और इसके अलावा अगर आप लोग गवर्नमेंट कोई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसे पुलिस का एग्जाम हुआ, एएसआई के एग्जाम में, तो उनमें भी आपको कोई दिक्कत अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपका काम हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे और बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस पे डालोगे। क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट दूंगा वो कंप्लीट करके कंपाइल करके दूंगा, क्योंकि मैंने इस पर भी बहुत मेहनत करी है और मैं बहुत से टीचर से पढ़ चुका हूँ। तो अगर मैं अपने टॉपिक जो मैं कवर करूँगा उनकी बात करूँ, जो मेजर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैंने अभी इधर लिखे हैं, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज वो बैकबोन है उसका, क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड का बैकबोन है। अगर आपने इन दो टॉपिक को सही ढंग से कवर कर लिया, तो आपको सभी टॉपिक में ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको रेशियो एंड परसेंटेज में एफर्ट लगाने की अपनी तरफ से भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको चीज़ों को बार बार रिवाइज करना होगा। अगर आप उसको सही पूरा बिल्कुल 100% चाहते हैं एफिशिएंसी, कि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में और परसेंटेज में थोड़ा एफर्ट अपनी तरफ से भी डालने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा जो टॉपिक होंगे वो सभी इस पर ही बेस्ड रहेंगे, तो उनमें तो बस कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत रहेगी, लेकिन जो चीज़ें लग रही होंगी वो इन्हीं दो टॉपिक की बेसिक होंगी। तो और ये पहला टॉपिक हो गया आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, दूसरा परसेंटेज। परसेंटेज को अगर रेशियो एंड प्रपोर्शन की बात करूँ, तो हम इसको लगभग क्लास में 7 to 8 आवर्स डिस्कस करेंगे। इसमें सारा क्या कहते हैं थ्योरी, जो आपके वो कॉन्सेप्ट बनना है वो, और इसके अलावा क्वालिटी क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे। फिर इसके अलावा परसेंटेज, अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, तो ये 6 आवर्स की ड्यूरेशन में या 6 to 7 आवर्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इन दोनों टॉपिक की बात करूँ, तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इन दोनों टॉपिकों को आपको बहुत अच्छे से करना है, अगर आप पूरा एप्टीट्यूड सीखना चाहते हैं ढंग से तो। और फिर इसके अलावा हम बात करें मिक्सचर एंड एलिगेशन, वो क्या कहते हैं 5 आवर्स का रहेगा।
मिक्सचर एंड एलिगेशन 5 आवर्स का रहेगा। वो मिक्सचर एलिगेशन इसी पे बेस्ड, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो सारे टॉपिक हैं वो इन दोनों ही टॉपिक से रिलेट करेंगे, तो मिक्सचर एलिगेशन की ड्यूरेशन 5 आवर्स हो जाएगी। फिर इसके बाद इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, और क्या कहते हैं उसमें जो इंस्टॉलमेंट अपनी होती हैं, जैसे बाइक की EMI VMI होती है, तो उनमें भी ये, तो इसमें 7 आवर्स की ड्यूरेशन। और प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो 8 आवर्स की ड्यूरेशन का रहेगा। इसके अलावा टाइम एंड वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम 6 आवर्स में करेंगे। इसके अलावा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसको भी हम 6 आवर्स में करेंगे। और एवरेज है, एवरेज उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो इसको 3 आवर्स में करेंगे। इसके अलावा नंबर सिस्टम जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम 8 आवर्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री देखो पूरी तो वैसे बहुत ज़्यादा होती है, पूरी ज्योमेट्री पढ़ाने में 50 to 70 आवर्स लग जाएंगे, लेकिन जो आपके एग्जाम के भी से इंपॉर्टेंट है वो 3 आवर्स में हो जाएगी, क्योंकि उसमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और उसमें कॉन्सेप्ट की बात कम करते हैं, तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस को इसमें 3 आवर्स में हो जाएगा वो। फिर इसके अलावा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो आपके पेपर में पूछा जाता है और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम 6 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। फिर इसके अलावा है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी को वो इससे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही रिलेट करता है, तो उसमें टाइम यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, वो 5 आवर्स में हो जाएगा। यहाँ से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से दो, एक से या दो क्वेश्चन आते हैं, तो या तो हो सकता है इससे आ जाए या इससे आ जाए, तो वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो इसमें टाइम कम हो जाएगा, इसमें इतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके अलावा रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में जैसे रिक्वायर्ड टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक होते हैं, तो मैं उनमें और देख लूँगा जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रीजनिंग से एक आधी सवाल आता है, तो मैं देख लूँगा जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वही डिस्कस करूँ, क्योंकि नहीं तो कोर्स की ड्यूरेशन आपकी बहुत ज़्यादा चली जाएगी और फिर उस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं रहेगा अगर मैं पूरा पढ़ाऊँ तो, वो क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। तो अब ये हो गया, लेकिन अब इसके अलावा ये सिलेबस हो गया, लेकिन इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो यहाँ तक का जो सिलेबस है एवरेज तक का, वो तो लगभग मतलब हर चैप्टर में सेम लॉजिक लगेगा। यहाँ से आपके अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, किसी एग्जाम में 10 पूछे जाते हैं, किसी में 20, यहाँ से 6 to 7 क्वेश्चन इतने पार्ट से आ जाएंगे, 6 to 7 क्वेश्चन यहाँ तक हो जाएंगे। फिर इसके अलावा नंबर सिस्टम में 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, तो ये कितना हो गया, 6 अगर यहाँ से तो 1 या 2 यहाँ से, तो 8। और फिर इसके अलावा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ तक आप मान के चलो श्योर शॉट 6 to 7 क्वेश्चन बहुत बड़ा वेटेज होता है, और आपने यहाँ तक ढंग से कर लिया, और फिर क्या कहते हैं इसमें तो मैं पढ़ाऊंगा ही, और यहाँ तक अगर आपने ज़्यादा मेहनत कर ली, तो आपके 6 to 7 क्वेश्चन बिल्कुल 100% श्योर हो जाएंगे कि आप उनको कर ही लोगे। तो यहाँ तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये वाला पोर्शन एवरेज तक का, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट भी करता है और इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज में जितना टाइम लगना होता है उतना लग जाता है, फिर बाद में तो आपको आसानी से समझ में आने लगता है। तो अब हम बात करें, अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमारा सबसे पहला टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी हमें इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए और उसका यूज पता होना चाहिए। तो रेशियो की पहली बात, तो रेशियो का यूज क्या है, रेशियो क्यों बना, रेशियो इसलिए बना क्योंकि दो चीज़ों के बीच में अगर कंपैरिजन करना है और इनकी एक्चुअल वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, तो भी हम रेशियो की मदद से आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो रेशियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये आपके पूरे अर्थमेटिक का बेस है, बिल्कुल बेस टॉपिक है, और अगर और ये आपने सीख लिया तो और टॉपिक आप खुद से ही कर ले जाओगे, इतने ज़्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है। तो रेशियो की बात करें, रेशियो का यूज़ क्या है, फॉर कंपेरिजन। फॉर कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स, रेशियो का यूज क्या है, फॉर कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3/2, तो मैं अगर आपसे यहाँ से पूछूँ ए अपॉन बी, ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर कोई भी ए और बी की वैल्यू भी नहीं बता पाएगा। लेकिन मैं ये पूछूँ ए और बी में से कौन सा नंबर बड़ा रहा होगा, तो ये अगर ये 3 है तब ये 2 है, इसका मतलब रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर इसकी वैल्यू 3 रही होगी तो इसकी 2 रही होगी, लेकिन हो सकता है इसकी वैल्यू 6 रही हो तो इसकी क्या हो रही होगी, 4। तो मैं अगर ये पूछूं रेशियो की मदद से कि बड़ा नंबर कौन सा रहा होगा, तो आप डेफिनेटली बता दोगे कि ए रहा होगा, क्यों, क्योंकि ए 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेशियो क्या होता है, कंपेरिजन होता है, रेशियो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, रेशियो एक कंपेरिजन होता है दो नंबर्स के बीच में, दो कोई क्वांटिटीज के बीच में,
दो कोई भी चीज़ है जो यूनिटलेस बच रही है उनके बीच में कंपेरिजन होता है। लेकिन रेशियो की बात करें, रेशियो की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो रेशियो की फॉर्मेशन के लिए अगर मैं आपसे बोलूं 10 इंजीनियर और 20 डॉक्टर्स का रेशियो बताओ, तो 10 इंजीनियर अपॉन 20 डॉक्टर, तो आप इसका रेशियो नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इंजीनियर से डॉक्टर कैंसिल नहीं होगा, और अगर एक कैंसिल नहीं होगा तो रेशियो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे तो यूनिट बच रहा है तो ये रेशियो नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों? क्योंकि इंजीनियर से डॉक्टर कैंसिल नहीं हो सकता, तो एक रेशियो की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो ये एक रेशियो नहीं होगा। लेकिन अब मैं अगर वही बात करूँ 10 इंजीनियर और 20 इंजीनियर की, तो इन दोनों के रेशियो की बात करूँ तो 10 इंजीनियर अपॉन 20 इंजीनियर, इन दोनों का रेशियो फॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंजीनियर से इंजीनियर कैंसिल हो जाएगा और उस केस में एक यूनिटलेस क्वांटिटी बचेगी। तो यूनिटलेस क्वांटिटी क्या होती है? रेशियो होता है, तो वो रेशियो की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन जब आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब क्वेश्चन आता तो ये पूछा जाता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स, तो वैसी सिचुएशन कब पॉसिबल होती है? वैसी तब होती है कि मैं अगर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स, अगर मैं रेशियो ऑफ मेल्स और रेशियो ऑफ फीमेल्स की बात करूँ, जैसे 10 मेल और 10 फीमेल की बात करूं, 10 मेल अपॉन 10 फीमेल, तो इन दोनों का रेशियो मेल से फीमेल कैंसिल नहीं हो पाएगा और एक रेशियो नहीं बन पाएगा, एक यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं बन पाएगी। लेकिन मैं अगर इनके नंबर की बात करूं, इनका नंबर क्या है यहाँ पे 10, और इनका भी नंबर क्या है 10, तो नंबर तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, तो वो नंबर का रेशियो तो बन जाएगा ना 10:10। तो जब भी क्वेश्चन आता है पेपर में तो हमेशा ऐसा ही पूछता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स, कभी भी ऐसा नहीं लिखा हुआ देखा होगा रेशियो ऑफ मेल्स एंड रेशियो ऑफ फीमेल्स, तो वो चीज़ गलत होगी। क्यों? क्योंकि उन दोनों का रेशियो तो फॉर्म ही नहीं हुआ, तो रेशियो बन कैसे जाएगा? तो अभी ये रेशियो का बेसिक जाना कि रेशियो का मीनिंग क्या होता है और रेशियो को कैसे फॉर्म होता है। तो अभी रेशियो की मीनिंग और रेशियो की फॉर्मेशन की, अगर आप रेशियो की मीनिंग की बात करें तो यहाँ पे ए क्या रहा होगा, ए क्या रहा होगा 3, अगर ये 3 है तो बी, अगर ये 3 है तो बी बी 2 है, अगर ये 3 है तो बी 2 है, इसका मतलब ये हुआ। और हो सकता है ए 6 हो तो बी कितना हो रहा होगा 4, तो यहाँ पे ए की जो, मगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूँ तो ए की वैल्यू कितनी रही होगी 3x रही होगी, और बी की वैल्यू कितनी रही होगी 2x रही होगी, बी की वैल्यू कितनी रही होगी 2x रही होगी, ए की वैल्यू 3x और बी की वैल्यू 2x रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा था कि यहाँ पे जो यूनिट हो रही थी वो कैंसिल हो रही थी वो यहाँ पे, और ये 10 से ये भी 20 भी कैंसिल हो जा रहा था, तो वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है जो एक्स होता है वो कट जाता है और नॉर्मल रेशियो बचता है। तो ए की वैल्यू कितनी रही होगी 3x और बी की वैल्यू कितनी रही होगी 2x, और अगर हमने जब इन दोनों के रेशियो की बात की होगी ए टू बी, तो वो एक्स एक्स कट गया होगा, 3:2 फॉर्म हो गया होगा रेशियो को। तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी रही होगी 2x और बी की वैल्यू 3x रही होगी, बी की वैल्यू 2x रही होगी। तो ये हो गई रेशियो की बात। अगर मैं ए की एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूँ तो वो 3x रही होगी, और बी की एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूँ तो 2x रही होगी। अब एक रेशियो की प्रॉपर्टी जानेंगे। रेशियो की एक प्रॉपर्टी है ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई अ सेम नंबर देयर इज नो इफेक्ट ऑन रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मीनिंग की बात करें अगर, जैसे ए एस टू भी आपको 3/2 दिया है, तो क्या इस चीज़ को ऐसे भी नहीं लिखा जा सकता, ऊपर नीचे भी मैं ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, अगर 3 × 2 × 2 × 2, तो ये कितना हो गया 6:4, तो ये सेम ही तो है दोनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें सेम हो गई। और अगर मैं इसको और किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी सेम रहेगा। अगर अब डिवाइड की बात करूँ तो ये 6:4 बन गया, अगर मैं इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहीं पे आ जाएगा। तो डिवाइड से भी रेशियो में मल्टीप्लाइंग और डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो पर, रेशियो हमेशा सेम रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं जैसे मान लीजिए इसका और क्या हो जाएगा, इसका अगर 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 12 × 12/8, 12/8 हो गया, ये 12/8 हो गया। अगर ये, अगर मैं इसको सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे मान लो मैंने कर दिया 4 से डिवाइड, अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा 12/4, 12/4 / 8/4,
तो ये कितना हो गया 3.2, तो वही आ गया सेम। तो रेशियो की एक वैसे कॉन्सेप्ट मिला यहाँ से कि रेशियो पर मल्टीप्लाइंग और डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आगे प्रॉपर्टी यूज होगी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब रेशियो की बात करें, कुछ रेशियो की जो सवाल बनते हैं रेशियो के, वो कैसे बनते हैं। जैसे एक सवाल बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, क्वेश्चन इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू, या इसको कैसे भी रेशियो का सिंबल क्या होता है, ए इज टू बी, ये जो डॉट डॉट होते हैं इनका मतलब भी क्या होता है, ये डिनोमिनेटर ही होता है, और इसका मतलब इसी को रेशियो बोलते हैं। तो एस टू बी इज इक्वल टू 3/4 मान लिया, एस टू बी कितना है 3/4, और आपको एक क्वेश्चन पूछा है बेस बिल्कुल बेसिक सा, 3a+2b/2a-4b, तो ए आपसे पूछा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ए की वैल्यू चाहिए होगी और बी की वैल्यू चाहिए होगी, तभी तो इसका आंसर निकलेगा। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो ए की वैल्यू क्या 3 है, नहीं है 3, तो ए की वैल्यू क्या रही होगी, मैंने अभी बताया ए की वैल्यू क्या रही होगी 3x रही होगी, और बी की वैल्यू क्या रही होगी 4x रही होगी। तो अगर ए की वैल्यू 3x रही होगी तो क्यों, क्योंकि उससे कट गई रेशियो 3:4 बन गया होगा। तो अगर ए की वैल्यू 3x रही होगी तो यहाँ पे पुट करेंगे ए की जगह 3x+2 × बी की वैल्यू क्या रही होगी, बी की वैल्यू 4x रही होगी, और 2 × ए की वैल्यू फिर से क्या है 3x, और -4 × 4x, तो ये कितना हो गया 3×3=9, 9 9 9+8 यानी कि 17x, अपॉन ये कितना हो गया 6, 6 - 16 ये कितना हो गया 2×3=6, 6 - 16 यानी कि -10x, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, इसका आंसर कितना आ गया -17/10, तो इसका आंसर -17/10 आ गया। लेकिन हमें ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू तो यहाँ पे पता नहीं थी, ये तो एक्स हमने अपनी तरफ से माना था, ये तो अननोन है, ये तो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही इक्वेशन दी है और वेरिएबल दो हैं। तो ये आंसर क्यों निकला, क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे की डिग्री सेम थी, डिग्री से सेम मतलब क्या है कि ए की भी पावर यहाँ कितनी है 1, बी की भी पावर कितनी है 1, और यहाँ पे भी ए की पावर कितनी है 1, बी की भी पावर कितनी है 1। तो जब मैं यहाँ पे ए की जगह 3x पुट करूंगा तो वो एक्स ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे एक्स की तो जरूरत नहीं है इस केस में, तो एक्स की जरूरत नहीं है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो वो रेशियो से ही आंसर आ जाएगा। तो वहाँ पे एक्स की जब मुझे जरूरत ही नहीं है इसलिए इस सवाल का आंसर पॉसिबल हुआ। लेकिन अगर मैं वहीं आपसे दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ, मैं अगर ऐसे दे देता 3a+2b, 3a² + 2b, और यहाँ पे 2a² - 3b, अगर मैं ऐसे आपको दे देता, तो अब इस सवाल का आंसर पॉसिबल होगा कि नहीं देखते हैं। तो एक ही जगह क्या रख दिया 3 × एक ही जगह 3x, तो 3x² यानी कि 3x² यानी कितना 3x² प्लस 2b की जगह कितना है 4x, b की जगह कितना है 4x अपॉन, और फिर से एक ही जगह मैंने कितना पुट कर दिया एक ही जगह 3x, तो 3x² -3 × 3 × 4x, अब ये कितना बन गया 9x² × 3, तो 3×3=9, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, 9 × 3 यानी कि 27, 27x² प्लस ये कितना हो गया 8x अपॉन, ये कितना हो गया 9, 9 × 2 यानी कि 18x² -12x। अब यहाँ से 1x तो कैंस कॉमन ले लिया अगर मैंने दोनों टर्म से ऊपर, तो ये कितना बचा 27x+8 × x अपॉन 18x-12 × x, तो एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया लेकिन ये वाला एक्स तो बचा। अब मुझे पता ही नहीं है इसकी वैल्यू क्या है, क्या कट के वो क्या ए और बी दो नंबर रहे होंगे जिनका रेशियो 3 और 4 हो गया होगा, और वो एक्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या रहा होगा, तो मुझे जब ये पता ही नहीं है कि क्या रहा होगा, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। कांट बी डिटरमाइंड इस सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया इन दो चीज़ों से, अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ए की पावर क्या थी 2, यहाँ पे बी की पावर क्या थी 1, और यहाँ पे ए की पावर क्या थी 2, बी की पावर क्या थी 1, मतलब सभी टर्म की पावर, सभी जो टर्म थी उनकी पावर सेम नहीं थी। अगर सेम नहीं होगी और उस केस में रेशियो से ही कुछ चीज़ पूछी जा रही होगी,
तो उसका आंसर क्या हुआ, कंट्रीब्यूटर। मतलब क्यों क्यों हुआ, क्योंकि हमें जब पता ही नहीं है कि ए और बी दो रियल नंबर क्या रहे होंगे, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या रही होगी, तो उस केस में ये एक्स ही निकल पाएगा, या जब वो रियल नंबर की वैल्यू ही निकल पाएगी। तो हमें तो यहाँ ए की ए का स्क्वायर पूछा था, और यहाँ से वो का ए का स्क्वायर और 3 भी, जब इनकी ए के और बी की वैल्यू नहीं पता रहेगी तो ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो इस केस में आंसर क्या होगा, कंट्रीब्यूटर मान। लेकिन अगर ऊपर नीचे पावर सेम है, अगर ऊपर नीचे पावर सेम है, यहाँ ए की पावर 1 बी की पावर 1, और यहाँ पे ए की पावर 1 और बी की पावर भी 1, तो ऊपर नीचे होमोजीनियस है, मतलब सेम है। अगर पावर सेम है, पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। पावर को क्या बोलते हैं, अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो उस केस में ए की वैल्यू 3x रही होगी, बी की वैल्यू 4x रही होगी। तो जब ए की वैल्यू 3x रही होगी, जब मैं 3x यहाँ पे पुट करूंगा, 4x यहाँ पे पुट करूंगा, ऊपर नीचे ऐसे ही पुट करूंगा, तो यहाँ पे एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें उस एक्स की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर इस केस में पॉसिबल था। और आंसर कितना आ रहा था, -17/10, तो -17/10 आंसर आ रहा था। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कहने का मतलब क्या है, इस चीज़ को नोट बना के लिखेंगे, इस चीज़ को नोट बना के लिखेंगे, इफ पावर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम, देन रेशियो विल गिव करेक्ट आंसर। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का, कि अगर ऊपर नीचे की अगर जो चीज़ पूछी है उसकी पावर अगर सेम है, तो हमारा रेशियो ही करेक्ट आंसर देगा। अब इस चीज़ का हम बहुत अच्छे से यूज करेंगे, कैसे करेंगे, कि मान लो दो नंबर दिए हैं, एग्जैक्ट भी दिए हैं, लेकिन नंबर एग्जैक्ट दिए हैं, लेकिन हमें तो हमें ये भी पता है कि अगर रेशियो उनका दिया होता तब भी आंसर सेम आ जाता, तब भी आंसर आ जाता। क्यों, क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो कैंसिल ही हो जाता। तो अगर उनका रेशियो भी दिया होता तो भी आंसर आ जाता, लेकिन दो नंबर हमें एग्जैक्ट दिए हैं, तो मैं उन दो नंबर का ही रेशियो बना लूंगा। जैसे मान लो यहाँ पे दो नंबर दिए हैं, तो ए की वैल्यू 12 दी है और बी की वैल्यू 8 दी है, ए की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू 8। अगर अब मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, मान लो मैं पूछ रहा हूँ 2a+b/(2a-b), अगर मैं ये पूछ रहा हूँ, तो ये तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे कि 2a+b/(2a-b). तो यहाँ पे मैं और कोई क्या करेगा, मान लो ए की वैल्यू बहुत बड़ी दे दी, तो वो और बड़ा सा सवाल दे दिया, तो कोई क्या करेगा, ए की वैल्यू 12 रखेगा और बी की वैल्यू 8 रखेगा। लेकिन हमें वो रखने की जरूरत नहीं है, हमने अभी पढ़ा कि अगर रेशियो दिया होता था तब भी अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम थी तो भी आंसर आ जाता था, तो भी आंसर आ जाता था। तो हम क्या करेंगे, अब हमें ए और बी का रेशियो बनाना। तो अगर मैं ए और बी के रेशियो की बात करूं, तो ए अपॉन बी कितना होगा, 12/8, तो ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 3/2, तो ये 3/2 हो गया। अब 3/2 हो गया, तो यहाँ पे मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, 3x, और बी की वैल्यू क्या होगी, 2x। तो अब हमें ये भी पता था कि ऊपर नीचे अगर डिग्री सेम होती थी तो वो 2x और 3x बन, 3x और 2x बन रहे थे, लेकिन एक्स एक्स तो कैंसिल ही हो जाता था, उसकी तो कोई वो वैल्यू नहीं थी एक्स की, एक्स तो एक्स ऊपर से नीचे भी कैंसिल हो जाता था। तो अगर मैं अब यहाँ पे बात करूँ उसको करने से पहले, कि यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाता था, तो अगर मैं अब मैं क्या करूँगा, इधर मुझे पता है ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, मैं देख लूँगा क्वेश्चन में, तो ए की वैल्यू क्या मान लूँगा मैं, 3। अगर ए 3 रहा होगा अब, तो बी कितना रहा होगा, 4। तो ए की वैल्यू 3 हो गई, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तीन, और तीन की जगह, ए की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 3, और बी की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, 4। बी की जगह मैंने 4 पुट कर दिया, तो 2 × 2, और यहाँ पे भी 3, और -4 × 4, तो ये कितना हो गया, 9, 9 + 9 + 8, ये कितना हो गया, 17। अपॉन नीचे कितना बन गया, 6, 6 - 16, ये कितना हो गया, -10। अब आप लोग ये देखेंगे कि इसका भी आंसर ये था, इसका भी आंसर, क्यों था आंसर सेम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स, यहाँ पे अंतर क्या था इन दोनों टर्म में, बस अंतर यही तो है कि 3 × 3 बनना है और × x बनना है, तो x यहाँ पे कैंसिल भी हो जाना था, तो मैंने पहले ही x को नहीं रखा, जब वो चीज़ कैंसिल ही हो जानी है उसका आंसर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो मैंने उस चीज़ को हटा ही दिया, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया, सेम। तो मतलब कहने की बात क्या है, कहने की बात ये है कि अगर दो
जो चीज़ हमसे एक्सप्रेशन जो पूछा है उसके ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, अगर उसके ऊपर नीचे की डिग्री सेम है तो हम उनके रेशियो को ही एग्जैक्ट वैल्यू मान के यहाँ पे पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो एक्स है वो हमें पता नहीं है, लेकिन आंसर फिर भी आ रहा है इस सवाल का, तो ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और एक आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर एक्स रखता तो मैं, यहाँ पर भी एक्स कैंसिल हो जाता तो आंसर की फॉर्मेशन हो जाती। अब यही तो इधर, ये भी तो इधर ही हो रहा है। अब मैं इधर इसको इधर लिखता हूँ, अब इस चीज को इधर देखेंगे। ए की वैल्यू क्या हो गई? ए की वैल्यू क्या मानी थी हमने? 12। और बी की वैल्यू क्या मानी थी? 8। तो क्या पूछा था हमें? 2a प्लस बी अपॉन 2a माइनस बी। तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, ए की वैल्यू 12 रख के सभी इसका आंसर निकाल देंगे। 12 इंटू 12 प्लस बी की वैल्यू क्या है? 8 है। और ए की वैल्यू फिर से क्या है? 12 है माइनस 8। तो ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 2 इंटू 12 24, 24 प्लस 8 32, 32 अपॉन 32 अपॉन 2 इंटू 12 यानी कि 24, 24 माइनस 8 यानी कि 16। तो ये कितना हो गया? 1 अपॉन 2 अपॉन 1, ये आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर आ गया 2.1, लेकिन हमें ये भी पता है ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो रेशियो से भी आंसर आ जाता था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का रेशियो बना लेंगे। तो ए रेशियो का ये सिंबल होता है ए एस टू बी, और इसका मतलब भी क्या होता है? ए अपॉन बी। तो ये कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 8, तो ये कितना बन गया, कैंसिल हो गया, 3 अपॉन 2। अब मैंने क्या बताया था, अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम है और उनका रेशियो अगर हमें पता है तो हम रेशियो को ही एग्जैक्ट वैल्यू मान सकते हैं, क्योंकि उससे भी आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम पहले क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या रही होगी? 3। बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 3x रही होगी वैसे तो, और बी की वैल्यू क्या रही होगी? 2x रही होगी, लेकिन हमें पता है ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो हम ए को 3 और बी को 2 मान लेंगे। तो क्या होगा ये? 2 इंटू ए की जगह अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 3, प्लस बी की जगह अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो इंटू अब प्लस 2, तो 2 इंटू 3 फिर से और माइनस बी, तो माइनस 2 हो गया। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6, 6 प्लस 2 8, और नीचे क्या बन गया? 6, 6 माइनस 2 4, तो कितना हो गया? फिर भी आंसर 2.1 आया। अब इससे भी आंसर 2.1 आया, इससे भी आंसर 2.1 आया। तो कहने की बात क्या है कि अगर अब आपको बहुत बड़ी वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू बहुत बड़ी दे दी, बी की वैल्यू बहुत बड़ी दे दी, और कोई बड़ा सा सवाल बना के दे दिया, मैं बाद में सीट में कराऊंगा, तो उस समय आप ए और बी की वैल्यू रखते रह जाओगे पेपर में जब तक टाइम निकल जाएगा। तो हमें पता, एक बात हमें पता है, अगर ऊपर नीचे डिग्री हमसे हम देख लेते हैं तो हमें पता है रेशियो से ही आंसर आ जाता है। तो हम उन नंबर का रेशियो ले लेंगे और उन नंबर के रेशियो में जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे यहाँ पे ए का रिप्रेजेंटेशन क्या था? 3, और बी का रिप्रेजेंटेशन क्या था? 2, उसको रख देंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अब ये कैसे हुआ, अब मैं जिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पहले बात कर रहा था, अब यहाँ पे इसमें और इसमें आप फ़र्क देखो, क्या फ़र्क है इसमें? 2 इंटू 12, 2 तो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे 12 है, तो 3 ये क्या रहा, ये क्या है? 3 इंटू 4 ही तो है, ये चीज़ 3 इंटू 4 है, और यहाँ पे भी ये चीज़ क्या है, यहाँ पे 2 बन रही है, ये भी 2 इंटू 4 है, 2 इंटू 4 है ये, और यहाँ पे भी ये 3 इंटू 4 है, तो 3 इंटू 4 ये भी बन गया और 2 इंटू 4 ये भी बन गया। तो ऊपर नीचे से जो 4 कैंसिल हो गया, और वही 4 क्या था उस केस में, जो हमें पता नहीं था उस केस में क्या था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर x था, तभी तो एग्जैक्ट नंबर बन रहे थे कि हमने माना था नंबर क्या थे, 3x, और क्या माने थे? 2x। यहाँ पे अगर मैं मानूँ, अगर इनका रेशियो 3:2 बन गया तो यहाँ पे नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या रही होगी? 3x रही होगी, और बी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या रही होगी? 2x रही होगी, और जबकि नंबर क्या थे, जबकि नंबर क्या है हमारे? 12 हैं और 8 हैं। तो अब ये 3 इंटू एक्स, तो ये 12 के बराबर है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है? 4 आ रही है, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 12 इन 3x, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है? 4 आ रही है, और वही x यहीं पे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, तो अगर वही x यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर था तो वही तो कट जाता, तभी तो रेशियो की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसीलिए तो हम इसको 3x और 2x मान रहे थे, और यहाँ पे x क्या था? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इस केस में तो हमें पता है, लेकिन उस केस में आंसर क्यों निकलता था बिना पता हुआ, क्योंकि ऊपर नीचे से वो कैंसिल ही हो जाना है। अब यहाँ पे भी 3 इंटू 4 रहा होगा और यहाँ पे भी 2 इंटू 4 रहा होगा, अब ये यहाँ पे 3 इंटू 4 और 2 इंटू 4, अब मुझे पता है 4 ऊपर भी कॉमन है नीचे भी कॉमन है, तो यहाँ से वो कैंसिल ही हो जाएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए इस एक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक रेशियो की मीनिंग जानी, रेशियो में रेशियो का यूज़ क्या होता है वो पता किया, रेशियो कैसे फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, रेशियो के लिए दो चीज़ों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ 20 डॉग्स और 20 कैट्स के रेशियो की तो वो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि कैट से डॉग कैंसिल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं वहीं उनके नंबर के रेशियो की बात करूँ, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 20 डॉग्स एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 20
कैट्स, तो वो नंबर की बात है, अब वहाँ पर कैट और डॉग की बात नहीं है, नंबर कितना है उनका 20 है ऊपर, और कैट का भी रेशियो, कैट का भी नंबर कितना है 20 है, और डॉग का भी कितना है 20 है, तो वो 20 और 20 वो तो यूनिटलेस बचा, तो वो रेशियो की फॉर्मेशन हो गई। अभी हमने रेशियो की फॉर्मेशन जानी, फिर उसके बाद रेशियो का मीनिंग जाना कि अगर ऐसे 3/2a/b दिया है तो उसका मतलब क्या कि अगर ए 3 रहा होगा तो बी 2 रहा होगा, हो सकता है ए 6 रहा हो तो बी कितना होगा 4 रहा होगा, 4 रहा होगा भी अगर ए 6 रहा होगा, तो यहाँ पे इसकी मीनिंग पता चल गई। फिर तीसरे केस में हमने क्या जाना, एक क्वेश्चन लिया, जिस क्वेश्चन में मैंने क्या दिया, जिसमें एक में डिग्री रेशियो दे के डिग्री सेम थी ऊपर नीचे वो, या पावर सेम थी वो क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें उस केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जरूरत नहीं थी हमें, उस केस में रेशियो से ही आंसर आ जाता था। और दूसरे केस में मैंने क्या लिया, ऊपर नीचे डिग्री अलग अलग थी, एक टर्म की डिग्री 2 बन नहीं थी, एक की 1 बन नहीं थी, तो उस केस में आंसर पॉसिबल नहीं हुआ। क्योंकि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उस केस में हमें एक्स ही नहीं पता था, या कहीं मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही नहीं पता था, या ए की वैल्यू ही नहीं पता थी, या बी की वैल्यू नहीं पता थी। और उसके अलावा फिर मैंने एक नोट नोट लिखाया, नोट में क्या था, नोट में ये था कि अगर न्यूमरेटर, यही वो नोट मैंने यहीं से ड्राइव करा था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है तो उनका रेशियो ही आंसर दे रहा था, क्योंकि अभी हमने जो एग्जाम्पल में डाल दिया उसमें सिर्फ सिर्फ रेशियो ही दिया था, और फिर भी उस सवाल का आंसर पॉसिबल था। तो हमने इसी चीज़ का यहाँ पे यूज़ किया कि मैंने अगर ए को 12 और बी को 8 दे दिया, और यहाँ पर मैंने 2a+b और (2a-b) दे दिया, तो यहाँ पे ए की डिग्री क्या है 1 है, बी की डिग्री क्या है 1 है, बी की पावर, ए की पावर क्या है 1 है, बी की पावर क्या है 1 है, ऊपर भी 1 नीचे भी 1 सभी टर्म की पावर 1, तो मैं समझ गया कि इस सवाल का आंसर रेशियो से भी पॉसिबल हो सकता है। अब मुझे ए की तो वैल्यू 12 दी थी, बी की वैल्यू 8 दी थी, अब मुझे पता है कि मैं ये अगर 2 नंबर दियो तो मैं उनका रेशियो तो आसानी से बना सकता हूँ, मैं रेशियो तो मैं बना ही सकता हूँ, तो h2b इज इक्वल टू a/b इज इक्वल टू 12/8, और यहाँ से 4 4 टाइम्स गया, वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, 4 क्या था मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वही कट जाता है, तो ये कितना बन गया 3/2, तो 3/2 अब मुझे पता है कि अगर डिग्री सेम हो तो हम ऐसे भी रख सकते हैं, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 2 × 3 ए की वैल्यू 3 रख दी, और प्लस बी, तो बी की जगह 2 और ए की जगह फिर से मैंने क्या रख दिया 3 − 2, तो यहाँ से आंसर आ गया 2:1। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू भी रख दा तो भी आंसर ही आएगा, लेकिन अगर अभी तो मैं रख लूँगा एग्जैक्ट वैल्यू, ये बहुत छोटी वैल्यू है ए 12 और बी 8, लेकिन अगर उस केस में जब ये बहुत बड़ी बड़ी लार्ज वैल्यू दी रहती थी तो, और कोई सवाल बड़ा सा पूछ दिया जाए तो वो सवाल, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल है, मुझे पता है कि इस केस में एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है, रेशियो से ही आंसर आ जाएगा, तो मैं इन दोनों नंबर का रेशियो निकाल के और डायरेक्ट ये वैल्यू रख दिया करूँगा। अब यहाँ पे मैं पहले क्या बताता था कि अगर रेशियो बन गया है 3/2 तो इसका मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू 3x रही होगी, बी की वैल्यू 2x रही होगी, अब ए की वैल्यू थी कितनी 12 और यहाँ पर कितनी है 3x है, अब ए की वैल्यू तो हर जगह सेम होगी, तो यहाँ पे ये क्यों रही है 3x, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12/8 था, तो वो ऊपर नीचे क्या 4 से जब कैंसिल कर रहे थे इन दोनों को, 4 से डिवाइड लग जा रहा था, तो वो ए की वैल्यू 3/2 बन गई, अब 4 से डिवाइड लग जा रहा था तो 4 ही क्या था वो मल्टी, यहाँ पे डिवाइड अगर मैं करूँ तो 3/2 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है एक्स एक्स, और वहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है 4 से 4, तो एक्स ही क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, या मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही क्या है एक्स है, अगर मुझे इस नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू अभी तो दी है तो इस नंबर की तो एग्जैक्ट वैल्यू भी पता ही है, लेकिन अगर नहीं पता होती रेशियो ही दिया होता तो नहीं निकाल पाते, क्योंकि क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें पता ही नहीं है कितना है, लेकिन इस केस में तो पता लग गया। तो अभी ये 3 कॉन्सेप्ट जाने, क्या पहला रेशियो का, पहले क्या कहते हैं रेशियो की फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर दूसरी चीज़ फिर हमने जाना रेशियो पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो ऑलवेज सेम, तीसरी चीज़ क्या जानी, ये हमने सवाल जाने जिनमें क्वेश्चंस जाने जिनमें क्या थे डिग्री ऊपर नीचे सेम थी, सिर्फ रेशियो दिया था तब भी आंसर आ रहा था, और एग्जैक्ट वैल्यू दी थी और ऊपर नीचे डिग्री सेम थी तब भी आंसर आ रहा था, लेकिन उस केस में हमें क्या याद रखना है, अगर सवाल जल्दी करना है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है या पावर सेम है हर टर्म की, तो हम रेशियो ही रख देंगे आंसर आ जाएगा, और अगर ऊपर नीचे पावर अलग अलग है, पावर अलग अलग बन रही है और सिर्फ रेशियो दिया तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि उस केस में हमें एक्स की वैल्यू ही नहीं पता रहेगी, आंसर नहीं आएगा। अब आगे चलेंगे रेशियो का जो अच्छे सवाल बनते हैं वो कैसे बनेंगे, अगर मुझे ये दिया हुआ है, अभी मैंने 2 नंबर के रेशियो की बात कही, अगर मैं 3 नंबर के रेशियो की बात करूँ और मैं नंबर दे देता हूँ 12, 8 और 24, तो इसको मैं अगर ए मानता हूँ, इस नंबर को बी और इस नंबर को सी, तो इनका रेशियो क्या था, रेशियो का सिंबल क्या था, मैंने अभी बताया था दो डॉट a:b:c, तो ये कितना हो जाएगा 12:8:24, ए हो गया 12:8:24। अब मुझे पता है कि रेशियो पर कोई
डिवाइड करो किसी भी नंबर से तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हर टर्म में होना चाहिए। तो मुझे इन तीनों टर्म में क्या, अगर मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है इस रेशियो को, तो इन तीनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, फोर, फोर के मल्टीपल दिख रहे हैं सभी नंबर, तो मैं इन सभी नंबर को क्या कर देता हूँ, डिवाइड बाई फोर कर देता हूँ। तो ये कितना हो गया, 12/4 यानी कि 3, 8/4 यानी कि 2, और 24/4 यानी कि 6। तो ये बन गया 3:2:6, इनका रेशियो हो गया। अब ये भी चीज़ गलत नहीं है, ये भी चीज़ गलत नहीं है, लेकिन अब ये क्या था, मुझे मैंने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली रेशियो की, कि रेशियो पे किसी भी नंबर से डिवाइड करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एग्जामिनर यही करेगा, या आपका आंसर आ जाएगा तो वो किसी नंबर से रेशियो को मल्टीप्लाई कर देगा या डिवाइड कर देगा। तो ऑप्शन में हो सकता है ये मिल जाए, ऑप्शन में हो सकता है ये मिल जाए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो की हो गई। हो सकता है इसको भी फिर से टू से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई बाई टू, तो कैसा बन जाएगा, 3:2:6, और 2:2:4, और 6:2:12। तो ये भी चीज़ सही है, ये भी चीज़ सही है, तीनों एक ही रेशियो दे रहे हैं, ये तीनों चीज़ सही हो गई। अब ये तो रेशियो का हो गया बिल्कुल, कि मीनिंग क्या थी और रेशियो निकाला गया जा सकता है डिवाइडर। अब करेंगे इस पर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पर, कि अगर मुझे दिया a:b=3:2 और दिया b:c=, क्या दिया, 3:4 दिया है, तो तब मुझे पूछा है a:b:c क्या हुआ, a:b:c क्या हुआ। अगर ये चीज़ अभी यही बोल रहा था मैं, रेशियो में अगर आपको पता रहेगी तो यही चीज़ उसमें अप्लाई होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर ये चीज़ आप यहाँ से बिल्कुल निकाल ले जाओ जल्दी से, तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आपको टाइम नहीं लगेगा कैलकुलेशन में। अब मैं क्या बोलूँगा कि a:b मुझे क्या दिया, 3:2, और b:c क्या दिया, 3:4। अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर a 3 रहा होगा तो b 2 रहा होगा, और नीचे वाले केस में क्या रहा, अगर b 3 रहा होगा तो c क्या रहा होगा, 4 रहा होगा, यही तो मतलब हुआ। तो अब मुझे a की एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है, तो मैं पहले इसको बिल्कुल बेसिक से करूँगा, कि a की वैल्यू क्या रही होगी, 3x रही होगी, और b की वैल्यू क्या रही होगी, 2x रही होगी ऊपर वाले केस में। लेकिन नीचे वाले केस में बात करूँ तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो अलग होगा ऊपर वाले रेशियो का, नीचे वाले रेशियो का, क्योंकि ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है। तो नीचे वाले केस में क्या रही होगी, 3y रही होगी, और c की वैल्यू क्या रही होगी, 4y रही होगी। लेकिन ये b यहाँ पे, ये b यहाँ पे, b की तो वैल्यू कहीं भी होगी, वेरिएबल है उसकी वैल्यू तो एक ही होगी, b यहाँ पे भी कुछ भी हो और यहाँ पे भी कुछ भी हो तो वैल्यू तो सेम रही है हर जगह। तो अब मैंने क्या किया, b को इक्वेट कर दिया, 2x=3y। अब मुझे एक बात पता है कि 3x और 2x यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, रेशियो की फॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन ये बाई है c में, तो बाई की तो बाई और x से तो कैंसिल नहीं होगा, रेशियो की फॉर्मेशन तो हो नहीं पाएगी, यहाँ पर रेशियो पूछा है। तो मैं अब क्या करूँगा, या तो मैं x को बाई के टर्म में लिख लूँ या बाई को x के टर्म में लिख लूँ। तो मैं यहाँ पे बाई को x के टर्म में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2x/3=y, 2x/3=y आ गया। अब a की वैल्यू तो 3x है, b की वैल्यू 2x है, कोई दिक्कत नहीं। अब a की जगह मैंने क्या रख दिया, a:b:c, तो a की वैल्यू क्या है, 3x, b की वैल्यू क्या है, 2x। अब c की वैल्यू क्या है, 4y, और 4y और y की वैल्यू मुझे ये भी पता ही है, तो 4:2x/3, अब ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ से x मुझे पता, रेशियो में कोई भी संख्या से डिवाइड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब x x डिवाइड करेंगे तो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या बन गया, 3:2:8:3/3। अब ये नीचे अपॉन में, अब ये आंसर तो ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हो तब क्या करेंगे, ऑप्शन में ऐसा दिया हो कि मुझे ये प्रॉपर्टी पता है कि रेशियो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3, क्यों, क्योंकि इससे 3 से 3 ये कट जाए और ये क्या बन जाए, ऊपर न्यूमरेटर में बचे, नीचे सिर्फ डिनोमिनेटर में कुछ ना बचे। 3:3 क्या हो जाएगा, 9, और 2:3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 8/3:3, तो उस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 9:6:8। तो ये आंसर आ गया उस क्वेश्चन का। अब हम चेक करेंगे ये आंसर गलत है कि सही है। अब ऊपर वाले केस में क्या था, ए और बी का रेशियो क्या था, 3:2 था, लेकिन नीचे वाले केस में अब रेशियो तो ए और बी का हर जगह सेम ही रहेगा, रेशियो कैसे बदल सकता है, क्योंकि ए और बी ये भी है, यहाँ पे भी ए और बी है, तो अब 3:2 है यहाँ पर रेशियो, और यहाँ पे कितना बनना है कि 9:6, लेकिन 9:6 का भी मतलब तो 3:2 ही होता है, 9/6 का मतलब क्या होता है, 3:2 नहीं होता, 9/6 का मतलब 3/2 होता है ये, लेकिन कैसे बन गया, क्योंकि रेशियो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
9.6 का भी मतलब 3.2 होता है, लेकिन बी और सी का कितना था 3.4, तो 6:8 का भी मतलब क्या होता है 3.4 होता है, तो इसका मतलब ये सही निकाला है हमने रेशियो। लेकिन ये तो पूरा किया हमने किस लिए कि आगे भी सीखना है, लेकिन अगर सिर्फ रेशियो का ही सवाल होता तो 99% वो ऑप्शन से ही हो जाता। कैसे हो जाता, मान लो किसी ऑप्शन में ये दिया है 9:6:8, किसी ऑप्शन में 9:17:8 दिया है, कुछ करके दिया है और दो तीन ऑप्शन दिए, तो मैं पहले ये देखता कि ए और बी का रेशियो 3:2 किस ऑप्शन में बनना है, तो हो सकता दो ऑप्शन सेम आ जाते, दो ऑप्शन सेम आ जाते लेकिन दो कट जाते, दो में बन ही नहीं रहा तो वो आंसर ही नहीं हो सकता। अब बचते दो ऑप्शन, अब फिर मैं देखता B:C किस में 3:4 आ रहा है, तो फिर ऑप्शन एक कट जाता, तो 3:4 का सिर्फ एक ऑप्शन बचता, और 3:2 का पहले ही दो ऑप्शन कट चुके हैं 3:2 के, वो तो हो ही नहीं सकते क्योंकि सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, और फिर बचे दो जिसमें से एक का भी 3:4 नहीं बनना और एक का बनना है, तो आंसर जिसका 3:4 बनना है और 3:2 दोनों बनना है वो आंसर हो जाता, तो यहाँ से ऑप्शन से भी हो सकता था। लेकिन ये चीज़ क्यों सीखी, क्यों, क्योंकि या तो ऑप्शन ही अलग अलग ऑप्शन को ये सेटिस्फाई कर रही हो वैल्यू अब, और उसके अलावा क्या कहते हैं आगे चल के ये करना ही पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है अगर जल्दी से सवाल करना है आगे चल के, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसमें CISI इंटरेस्ट ही है उसमें, ये आगे चल के ये करना ही पड़ेगा, अगर रेशियो को सीखना ही पड़ेगा तो उसके लिए तो ये करना ही पड़ेगा। लेकिन अब क्या ऐसे करने की ज़रूरत है, अगर जल्दी से करना है ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर जल्दी से करना है तो मैंने आपको ये तो बताया कि कैसे ड्राइव होता है, अगर जल्दी से करना है तो मैंने क्या सोचा कि ए कितना था यहाँ पे 3 था, बी कितना है 2 है, अब बी नीचे वाले केस में कितना है 3 है, और सी कितना है नीचे वाले केस में 4 है, अब लेकिन ए की बी की यहाँ वैल्यू 2 और सी बी की यहाँ वैल्यू 3, अब बी की वैल्यू तो हर जगह सेम होनी चाहिए, हर जगह सेम होनी चाहिए क्यों, हर जगह सेम होनी चाहिए क्योंकि बी अगर यहाँ पर कुछ भी होता तो यहाँ पर भी वही सेम नंबर रहेगा। अब लेकिन मैं इनको सेम बना सकता हूँ कैसे, क्योंकि मुझे पता है रेशियो पर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 3 और 2 को कैसे सेम बनाया जा सकता है, 3 और 2 को मैं सेम बना सकता हूँ उनके LCM पे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे, क्योंकि वो 3 का भी मल्टीपल होगा, 2 3 का भी होगा और 2 का भी होगा, तो सेम बन जाएगा। तो मुझे पता 3 और 2 का LCM क्या होता है, 6 होता है, तो मैं इन बी और बी, क्योंकि बी कॉमन है दोनों में तभी सी का रेशियो मिल पाएगा, क्योंकि बी दोनों में लिंक है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मुझे बी को सेम बनाना पड़ेगा, जो चीज़ सेम है उसको सेम बनाना पड़ेगा, जैसे बी यहाँ भी है बी यहाँ भी है, तो ये दोनों सेम हो गए तो उनको सेम बनाना पड़ेगा, तो अब बी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है तो 6 बनाना पड़ेगा, इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो (2)(2), यहाँ पे इंटू, यहाँ पे 6 3 बना, 6 बनाने के लिए (3), और यहाँ पे भी (3), तो अब ये कितना हो गया, अब ये कितना हो गया, ए हो गया कितना 3 3 9, और बी कितना हो गया 2 3 6, और सी हो गया 8, तो यह एक क्या आ गया 9:6:8। अब ये था शॉर्ट मेथड करने का, और ये था लॉन्ग मेथड की चीज़ें होती कैसे हैं, तो आपको ये अपनाना, क्योंकि आपको पेपर में आपने लॉजिक सीख लिया कैसे बनती है, और आपको फिर ट्रिक सीखनी है कि जल्दी से कैसे बनाना है, और यहाँ पे भी कितना आ रहा था 9:6:8, और ये तो मैंने ऑप्शन दिया था उसका कि दो तीन ऑप्शन दिए हैं इसको नहीं देखना, ये 9:6:8 आया था, तो ये लॉजिक हो गया निकालने का। अब अगर मैं और सवाल की बात करूँ, और जैसे एक और सवाल दिया है कि मान लो दिया है A:B कितना दिया है 3:2, B:C कितना दिया है 3:4, और क्या कहते हैं, हाँ पहले इतना ही दिया है, ये 3:7 कर लो इसको, 3:7 दिया है, अब ये हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे A:B:C कितना होगा, तो पहले B कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी B कितना है 3 है, तो B को सेम बनाना है, सेम कैसे बनेंगे उनके LCM पे बनेंगे, तो LCM इन दोनों का क्या होता है 6 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बना A:B:C कितना बना 9, और 2 3 6, और नीचे कितना 7 12 7 2 14, ये आंसर आ गया, ये आंसर बन गया। अब ये लेकिन दो रेशियो की बात थी तब ऐसे, और ये लॉजिक भी हर जगह काम करेगा, लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं कि बहुत सारे रेशियो दिए हुए हैं A:B इज इक्वल टू 2:1, A:B दिया 2:1, और B:C कितना दिया है 3:4, और C:D भी दिया है, इस बार C:D भी दिया है
कितना दिया, 4:5। अब लॉजिक ये भी काम करेगा यहाँ पे, जैसे मैं क्या करूँगा, पहले इन तीनों का रेशियो निकालना है, तो पहले तो मुझे एक बात जानवानी चाहिए कि पहले तो ए और बी सी से निपटा जाए, फिर बाद में डी से। तो यहाँ पे ए कितना, बी कितना है, 3, 1 है, और यहाँ पे बी कितना है, 3 है। तो पहले बी को सेम बनाओ, तो बी को सेम बनाने के लिए (3) और (3), अब बी सेम हो गया, अब ऊपर नीचे बी सेम हो गया, बी सेम हो गया, ठीक है। अब बी सेम हो गया, लेकिन अब यहाँ पे सी कितना था, 4 था। एक काम करो, इसको 5 कर लो यहाँ पे, तो वो चीज़ आ जाएगी जो बतानी थी, 5। अब ये बी सेम हो गया, बी की बात खत्म हो गई। अब यहाँ पे सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन सी तो सेम होना चाहिए। तो 5 और 4 को क्या बनाया जा सकता है, 20। तो 20 बनाने के लिए इसको (4) और इसको (4) और इसको (5) और इसको (5). अब लेकिन ऊपर वाला रेशियो अनबैलेंस हो गया, और यहाँ पे भी कितना बता रहा है, 12 बता रहा है, और यहाँ पे भी कितना बता रहा है, 3 बता रहा है। तो इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से। अब लेकिन हर चीज़ सेम हो गई, सी कितना है यहाँ पे, 20 है, यहाँ पे सी कितना है, 20 है, यहाँ पे भी कितना है, 12 है, यहाँ पे भी कितना है, 12 है। अगर a:b:c अब निकाला जाए (d), तो ये कितना बन जाएगा, 12 × 2 यानी कि 24, और ये कितना बन जाएगा, 3 × 4 = 12, और ये कितना बन जाएगा, ये बी तो यहाँ पे हो ही गया, आप सी कितना हो जाएगा, 20 यहाँ पे। अब ये डी किस कौन सा वाला है, बाद वाला, तो ये 25। अब ये चीज़ चेक करनी है गलत है कि सही है। तो ए और बी का रेशियो कितना था, ए और बी का रेशियो था ओरिजिनल 2:1, तो ये 24:12 भी तो 2:1 ही है। फिर बी और सी का कितना था, 3:5, तो यहाँ पे भी बी और सी का कितना ही है, 3:5। और फिर सी और डी का कितना था, 4:5, तो यहाँ पे भी कितना है, 4:5। ये हो गया, अब ऐसे निकाल लिया। लेकिन अगर इसका 3-4 रेशियो दिए हैं और एक तरीका सीखना है, तो वैसे तो आप इसी तरीके से जाओ, बेटर है जो, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि जिसके जो सा तरीका आपको आसान लगे उससे आप जा सकते हैं। मैं एक और तरीका बता रहा हूँ इसका, a:b = 2:1, b:c = 3:5, और c:d = 4:5। अब ए और बी सी पूछा है, तो अब इसका शॉर्ट तरीका क्या है, इसका शॉर्ट तरीका ये है कि पहले ये देखो, ए और बी सी पूछा है, ए कौन सी रो में आ रहा है, इस रो में, और ए कहीं भी नहीं आ रहा, तो सीधा नीचे उतर जाएंगे यहाँ से ऐसे, ए कहाँ पे आना शुरू हुआ, यहाँ पे, और किसी में नहीं आ रहा, तो सीधा नीचे उतर जाएंगे। तो 2 × 3 × 4 हो गया ए, ये ए हो गया। अब रेशियो, अब बी, बी कहाँ से आना शुरू हुआ है, शुरुआत में इस रो से आना शुरू हुआ है, ये इस वाली रो से। अब बी आ किधर को रहा है, फिर इधर को हो गया, तो पहले यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे भी आया था, फिर यहाँ पे था भी, लेकिन अब कहीं नहीं आ रहा नीचे भी, तो फिर सीधा कूद जाएंगे नीचे। तो 1 × 3 × 4, ये क्या हो गया, बी हो गया। अब सी की बात करें अगर, तो सी कहाँ से आना शुरू हुआ है, पहले इस वाली रो से, उस साइड वाली से, तो यहाँ से चलना है रेशियो को लेना, तो यहाँ से आना शुरू हुआ था, यहाँ पे ये कौन सा था, ये वाली रो, तो पहले 1 × 5, लेकिन फिर सी किधर को हो गया, इधर को हो गया, तो (4) भी होगा। अब डी, डी कहाँ पे आना शुरू हुआ, डी तो इस रो में ही था और कहीं है ही नहीं, तो सीधा कूद जाएंगे, डी इस रो में ही है, तो 5 × 1 × 5 × 5, तो अब ये बी और ये सी और ये डी, अब ये कितना हो गया, 2 × 3 × 4, तो 24:12:20, 5 × 20 और 5 × 5 = 25, तो ये भी तो यही आंसर आ रहा है। तो ये क्या है, ये और ही शॉर्ट तरीका है, वो जब दो रेशियो हो तब भी लगेगा वो भी तरीका। हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी कि ए और बी ऐसे दिया रेशियो, a:b क्या दिया है, 2:1, और b:c क्या दिया है, 3:5, c:d क्या दिया है, 4:5। अब मुझे ए बी और सी डी का तीनों का रेशियो, चारों का रेशियो निकालना है। तो पहले ए किस रो में आना शुरू हुआ है, सबसे पहले इधर ही तो आया है ये, यहीं पे तो आया है ए आया, तो इसको रिप्रेजेंट कौन सी वैल्यू कर रही है, पहले वाली कर रही है, तो पहले वाली कर रही है। फिर उसके बाद ए क्या नीचे कहीं है, नहीं है, तो सीधा जो रेशियो दिए हैं उनमें सीधा नीचे चले जाएंगे। 2 पहले वाला, तो पहले वाले से इसका भी पहले वाला, 2 × 3 × 4, तो 2 × 3 × 4 हो गया। फिर अब बी इस रो में आना शुरू हुआ, सेकंड उस साइड वाली में,
तो बी को कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, वन कर रही है। फिर बी कहाँ पे आना, यहाँ पे भी आया नीचे, तो ये वाली वैल्यू बी को रिप्रेजेंट कर रही थी, फिर ये वाली करने लगी तो वन इंटू थ्री। फिर लेकिन बी नीचे कहीं नहीं है अब, लेकिन थ्री पे आ गए तो थ्री पे अब बी है ही नहीं, तो इधर क्यों जाना, फिर नीचे ही आओ, फिर सीधे नीचे आओ, तो वन इंटू थ्री इंटू फोर। अब सी की बात करें अगर, तो सी कौन सी वाली रो में आना शुरू हुआ है, उस साइड वाली में, तो सी को कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, फाइव, फाइव कर रही है। अब लेकिन जब ये रेशियो तीनों दिए हैं तो तीनों का यूज़ करना है, तो यहाँ से आएंगे जब ये वाली, तो वन इंटू फाइव। फिर सी किधर आया, इधर, तो कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, फोर, तो इंटू फोर, तो वन इंटू फाइव इंटू फोर। अब डी, डी कहाँ पे आना शुरू हुआ है, इस रो में आना शुरू हुआ है, इस वाली में। अब डी को रिप्रेजेंट कौन सी वैल्यू कर रही है, फाइव। अब फाइव के ऊपर क्या है, और कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इधर जाएंगे, तिरछे तभी चलेंगे जब और कोई वैल्यू डी की दी हो या सी की दी हो, और कोई वैल्यू है नहीं, तो फाइव, तो सीधा चलेंगे, वन इंटू फाइव इंटू फाइव, तो 25, तो ये बन गया। अब इसको एक और बार रिपीट करता हूँ मैं, कि दूसरा एग्जाम्पल लिख लो। हाँ, एक और एग्जाम्पल लेके रिपीट करता हूँ। अब एक एग्जाम्पल और ले लिया, जैसे मान लो ए और एस टू बी कितना दिया, थ्री एस टू वन, बी एस टू सी क्या दिया, टू एस टू एस टू फाइव दिया है, और सी एस टू डी कितना दिया है, टू एस टू फोर दिया, फोर नहीं थ्री दिया है, थ्री दिया है, ये हो गया। अब ए और बी सी का रेशियो पूछा है, तो यहाँ पे पहले से लाइन बनाई, ए और बी सी का रेशियो। अब ए कौन सी रो में आना शुरू हुआ है, मेरी साइड वाली में, इसमें आना शुरू हुआ है, तो थ्री, ए को रिप्रेजेंट कौन सी वैल्यू कर रही है, थ्री। फिर ए नीचे है, कहीं है नहीं, तो नीचे सीधा कूद जाएंगे, जिस रो में आया है उसके नीचे वाली सभी वैल्यू को लेना है, थ्री इंटू टू इंटू टू, तो थ्री इंटू टू इंटू टू, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। अब इस टू रेशियो का सिंबल लगा दिया। अब बी, बी किस में आना शुरू हुआ है, सेकेंड वाली में, तो बी को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वन कर रहा है। अब बी फिर कहाँ आया है, बी फिर आया है कहीं, तो बी, बी नीचे वाली में आया, बी को कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, टू कर रही है, तो ये यहाँ से ऐसे जाएंगे, टू, वन इंटू टू। फिर क्या कहते हैं, फिर नीचे कहीं बी आया नहीं है, अब बी आया ही नहीं है, तो फिर सीधा कूद जाएंगे, तो वन इंटू टू इंटू टू हो गया, ये किसकी वैल्यू है, बी की। अब अगर सी की बात करें अगर, तो सी पहले किस में आया, पहले किस में आया है, ऊपर इसमें आया, सबसे पहले सी में आ रहा है, तो फाइव रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन फाइव से ऊपर एक और वैल्यू चाहिए, तो ऊपर वाली होगी, तो वन ऐसे आएंगे, फाइव हो गया, वन इंटू फाइव। अब लेकिन सी अब इधर भी आ रहा है, तो इधर आ रहा है, तो सी के रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू पे चलेंगे, क्या होगी वो, टू, तो वन इंटू फाइव इंटू टू। अब डी की बात करें, तो डी तो सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, डी को रिप्रेजेंट क्या कर रही है, थ्री, तो थ्री को जो पूरी रो जो रिप्रेजेंट कर रही है उसको लेंगे, तो ऊपर से चलेंगे, वन इंटू फाइव इंटू थ्री, ये सी हो गया और ये डी हो गया, तो ये क्या बन गया, थ्री ट्वेल्व, टू टू या फोर, फाइव टू या टेन, और फाइव थ्री या फिफ्टीन। अब इसको चेक करें ये गलत है कि सही है, ए और बी का रेशियो क्या बनना था, थ्री इस टू वन, तो ट्वेल्व इस टू फोर का भी मतलब भी तो क्या होता है, थ्री इस टू वन ही होता है। बी और सी का मतलब, बी और सी का रेशियो क्या बनना था, टू इस टू फाइव, तो यहाँ पे भी बी और सी का रेशियो क्या बनना है, टू इस टू फाइव। सी और डी का क्या बनना था, टू इस टू थ्री, यहाँ पे भी क्या बनना है, टेन इस टू फिफ्टीन इज इक्वल टू टू इस टू थ्री, तो ये इसका मतलब ये हमारा सही आंसर आया है। अब इसको ये मेथड आपको घर पे और प्रैक्टिस करना है दो तीन बार, तो इस पे आपकी परफेक्शन बन जाएगी और इसको आप कर पाएंगे आसानी से, क्योंकि जब वो सवाल आएंगे, जब वो कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, और जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में खासकर, तो इन्हीं रेशियो का यूज होगा, तो आपको रेशियो बैलेंस करना आना चाहिए जल्दी से, तो वो आप ऐसे कर सकते हो, तो आपकी यहाँ से वो ग्रिप बन जाएगी। तो अब आप आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब आपका रेशियो का बेसिक हो गया पूरा, ये आप रेशियो का कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। अब अगर बात करें, जैसे एक क्वेश्चन दिया रहता है, क्या कहते हैं, हाँ, एक क्वेश्चन मान लो, जैसे अगर आपको फिर से दिया हुआ है कि कोई, और आपको ऐसे दिया हुआ है, ए इज टू बी इज इक्वल टू थ्री इज टू फाइव, बी इज टू सी इज इक्वल टू टू इज टू थ्री,
और सी एस टू डी इज इक्वल टू 3:7। अगर आपको अब पूछा ए एस टू डी पूछा है, केवल ए एस टू डी केवल यही पूछा है, तो आपको पूरा रेशियो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आप इसको कैसे निकालोगे, ए अपॉन ए एस टू बी का मतलब क्या होता था, मैंने भी बताया था ए अपॉन बी यही तो होता था, और बी एस टू सी का मतलब क्या था, बी अपॉन सी, और सी अपॉन डी का मतलब क्या, सी एस टू डी का मतलब क्या था, सी एस टू डी। अब लेकिन जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बी से बी सी से सी कट जाएगा, ए अपॉन डी बचेगा, और ए अपॉन डी किसको रिप्रेजेंट करता है, ए एस टू डी को। तो अगर मुझे ए एस टू डी का रेशियो निकालना है तो 3/5 इंटू ए अपॉन बी, ए अपॉन बी क्या है 3/5, और बी अपॉन सी क्या है, बी अपॉन सी क्या है 2/3, और सी अपॉन डी क्या है 3/7, सी अपॉन डी क्या है 3/7, क्योंकि यही तो था, ए अपॉन बी की वैल्यू क्या है 3/5, बी अपॉन सी की वैल्यू क्या है 2/3, और सी अपॉन डी की वैल्यू क्या है 3/7, और ये कट के कितना बच रहा था, ए अपॉन डी तो इधर बच रहा था, और ए अपॉन डी का मतलब क्या था ए एस टू डी, और ए एस टू डी ये क्या हुआ, ये होगा, ये अब क्या बचेगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा 6 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 35, तो 6/35 बचेगा, 6/5 कितना बचेगा 35। अब ये कैसे आया ये आपको समझ में आएगा कि पहले क्या करेंगे, जब मुझे मुझे ये दिख रहा है कि सबका रेशियो नहीं पूछा, जिसका पूछा तो मैं पूरा सॉल्व क्यों करूं, तो मैं इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए मुझे पता है इसका मतलब होता है ए अपॉन बी, इसका मतलब होता है बी अपॉन सी, इसका मतलब होता है सी अपॉन डी, तो ए अपॉन बी और बी अपॉन सी मुझे पता है, जब मैं इनको इंटू करूंगा तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए और डी बचेगा, तो ए अपॉन डी का मतलब क्या होता है ए एस टू डी, ए एस टू डी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है ए अपॉन बी को, या ए रेशियो बी को, तो 3/5, और बी अपॉन सी क्या है, बी अपॉन सी क्या है, बी अपॉन सी है 2/3, और सी अपॉन डी क्या है 3/7, तो ये कट के आएगा 6/35। अब मैं कैसे मानूँ ये आंसर सही है या गलत है, अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए पूरा सॉल्व करके देखते हैं, इसकी वेरिफिकेशन क्या, बी रेशियो डी, बी और डी का रेशियो, अच्छा बी और डी का निकालना हो, बी और डी का अगर रेशियो निकालना है तो बी और डी का निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इधर अगर मुझे इस सवाल में कहीं ये निकालना होता बी एस टू सी कितना दिया 2:3, और सी एस टू डी कितना दिया 3:7, तो अगर मुझे बी एस टू डी निकालना है तो एक तरीका तो ये कि सी को सेम बना दो, मैंने अभी बताया था, दूसरा तरीका मैंने ये बताया था एरो वाला, वो भी दो तरीके, तीसरा तरीका ये है कि मुझे पता है बी एस टू सी का मतलब क्या होता है बी अपॉन सी, और सी अपॉन डी का मतलब, और सी एस टू डी का मतलब क्या होता है सी अपॉन डी, तो बी सी से सी कट जाएगा और क्या बचेगा बी अपॉन डी, ये क्या है बी एस टू डी, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 × 3/7, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसका रेशियो क्या आ गया 2/7 आ गया। अब यही चीज़ देखनी रहती है, अब आपको अपने यही, इसलिए मैं बोल रहा था प्रैक्टिस किस लिए इंपॉर्टेंट है, अब मैंने तो आपको सभी कॉन्सेप्ट बता दिए, लेकिन अब आपको देखना है कि जल्दी से कौन से मेथड से होगा, क्योंकि वो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो चीज़ सवाल टू सवाल वेरी करेगी कि कौन सा मेथड लगाना है किस क्वेश्चन में, वो आप सिर्फ जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आपका एक सेंस डेवलप हो जाएगा, उसी से आप बता सकते हो। तो अगर ये निकलेगा 2:7, अब मैं कैसे मानूँ कि ये रेशियो सही था कि गलत था, अब यहाँ पर सी कितना 3, बी सी भी यहाँ पर भी कितना 3, तो पहले से इक्वल है, पहले से इक्वल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बी इस टू सी इस टू डी कितना हो गया 2:3, और नीचे वाला कितना हो गया 7। अब मैं अगर बात करूँ डी बी इस टू सी की, बी इस टू सी तो यहाँ पर पूछा है बी अपॉन सी इज इक्वल टू बी इस टू सी, अभी बी इस टू सी की, तो यहाँ पर डी को छुपा देंगे, डी को छुपा देंगे, तो डी के रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू भी छुपा देंगे, उसका कोई मतलब नहीं, तो बी इस टू सी यहाँ पर कितना आ रहा था, गड़बड़ हो गई कहीं, बी एस टू डी तो बचेगा, सी से सी कट जाएगा तो बी एस टू डी बचेगा, तो बी एस टू डी बचेगा, ये बी एस टू डी, क्योंकि बी एस टू सी तो ऊपर वाले ही ऑप्शन में दिया, आगे बढ़ जाते हैं अगर टिक करके, तो बी एस टू डी, तो मुझे बी एस टू डी पूछा तो सी के रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू छुपा देंगे, यहाँ पे कौन से नंबर पे सेकंड पे, तो यहाँ पे भी सेकंड नंबर की वैल्यू छुपा देंगे, ये भी छुपा दिया, ये छुपा दिया, तो बी एस टू डी अब क्या दिख रहा है 2:7, तो ऊपर में क्या आ रहा है 2:7, तो यही चीज़ अब आपको देखना है कि कौन सा मेथड सूटेबल रहेगा, किससे जल्दी आंसर आएगा, मैंने आपको सभी मेथड बता दिए, अब आपको प्रैक्टिस करनी है इस पर। अब ये मैं बोल रहा था अभी कि मैं कैसे मानूं कि ए एस टू डी इतना आएगा 6:35, अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको वही वाला मेथड,
जो अभी मेथड अपन एरो वाला सीख रहे थे कि एक इस रो में आया पहली वाली रो में, तो पहली वाली रो कौन सी है, ये वाली रो, तो थ्री। अब नीचे ये कहीं है नहीं, नीचे है ही नहीं, तो सीधा कूद जाओ, तो थ्री इंटू टू इंटू थ्री, थ्री इंटू टू इंटू थ्री। अब मुझे पता है सिर्फ डी की वैल्यू निकालनी है मुझे, क्योंकि बी और सी से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, ए एस टू डी तो पूछा था यहाँ पे, बी और सी से कोई मतलब नहीं है। अब डी कहाँ पे आया है, डी लास्ट वाली रो में आया है, लास्ट वाली रो में अगर आया है डी, तो और डी कहीं आया ही नहीं है, सिर्फ एक जगह आया, तो सीधा कूद जाएंगे, फाइव इज फाइव इंटू थ्री इंटू सेवन, फाइव इंटू थ्री इंटू सेवन। अब थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, तो ये कितना बन गया, सिक्स, और ये कितना बन गया, 35 बन गया सिक्स। तो ये भी आंसर ये था, ये भी आंसर। अब आपको देखना कौन सा मेथड आपको शूट करना है, अगर सभी का रेशियो पूछा तो आपको पूरे तरीके से जाने की जरूरत है कि ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का भी, लेकिन किन्हीं दो चीज़ों का रेशियो पूछा है तो आपको देखना है किस किस मेथड से आपका आंसर जल्दी आ सकता है। अब ये हुआ रेशियो का बेसिक, अब इस पे क्वेश्चन बनेंगे आगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया रेशियो पे, इफ टू नंबर्स, इफ टू नंबर आर इन द रेशियो रेशियो 3:5, इफ फर्स्ट टू नंबर लिख लेंगे यहाँ पे, इफ फर्स्ट टू नंबर आर इन द रेशियो 3:5 एंड एंड लास्ट टू नंबर आर इन द रेशियो 4:5। पहले दो नंबरों का रेशियो कितना दिया, 3:5, और एंड लास्ट टू नंबर आर इन द रेशियो 4:5, और हमें क्या दे दिया, हमें दे दिया एंड 3:5, हाँ क्या दे दिया कि एंड फर्स्ट नंबर इज 12, देन फाइंड, इफ फर्स्ट नंबर इज 12 देन फाइंड, देन फाइंड लास्ट नंबर, तो सबसे लास्ट वाला नंबर बताना है ना। अब ये कैसे करेंगे सवाल, ये सवाल पहले बताएंगे कि पहले नंबर हमने क्या मान लिए, ए बी और सी तीन नंबर हैं, तो पहले नंबर क्या मान लिए, ए बी और सी, अगर तीन नंबर की बात कर रहे हैं तो पहले दो नंबर का रेशियो क्या है, पहला अगर ए है और दूसरा बी है तो उनका रेशियो कितना दिया है, 3:5, और फिर लास्ट वाले दो का रेशियो कितना दिया है, 4:5, तो दूसरा ये था तो बी और सी हो गया, तो कितना हो गया, 4:5। अब यहाँ पे बी कितना है, 4 है, यहाँ पे भी कितना है, 5 है, तो बी को बैलेंस कर लेंगे, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5, अब बी को बैलेंस कर लिया तो ए कितना हो गया, 12 हो गया, और बी कितना हो गया, बी कितना हो गया, 20 हो गया, सी कितना हो गया, 25 हो गया। अब मुझे क्या दिया कि पहला नंबर कितना है, 12 है, तो अगर पहला नंबर 12 है तो रेशियो का मतलब क्या, ए एस टू बी एस टू सी आ गया, ये ए एस टू बी एस टू सी आ गया 12। अब इसका मतलब मैंने क्या बताया था, रेशियो का, रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर ये ऐसे लिखा तो 12x रहा होगा नंबर और ए, और बी रहा होगा 20x और सी रहा होगा 25x। अब ए अगर 12x रहा होगा, बी अगर 20x रहा होगा, सी अगर 25x रहा होगा। अब मुझे पता कि अगर मुझे x की वैल्यू निकल जाए, पता चल जाए, तो मैं कौन सा भी नंबर निकाल सकता हूँ। तो अब मुझे पहला नंबर क्या दिया है, 12 दिया है, तो ये भी x ए की वैल्यू है, वो भी x ए की वैल्यू, तो दोनों वैल्यू को इक्वेट कर देंगे, हाँ दोनों वैल्यू को इक्वेट कर देंगे, तो 12x इज इक्वल टू 12। अगर 12x इज इक्वल टू 12 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू बना गई तो मुझे क्या पूछा था, लास्ट नंबर पूछा था, लास्ट नंबर पूछा था तो c पूछा था, c की वैल्यू क्या होगी, 25 इंटू 1 इज इक्वल टू 25, ये क्या आ गया, आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है, और तरीके क्या हो सकते हैं कि मुझे पूछा है पहला नंबर क्या दिया है, 12 दिया है, अगर मुझे पहला नंबर 12 दिया है तो पहला रेशियो क्या रहा होगा, 3x रहा होगा, तो उस केस में 3x इज इक्वल टू 12 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, हर केस मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनना है, एक इंटीजर बनना है, अगर एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंटीजर बनना है तो दूसरे वाले केस में भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंटीजर ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वो ये पहले नंबर की वैल्यू है, ऊपर वाले केस जब बैलेंस होंगे तो इंटीजर ही बनेगा, एक
पूर्णांक ही बनेगा। अगर इंटीजर बनेगा तो मुझे पता है ये 3 किसका मल्टीपल था, ये 12 किसका मल्टीपल था, 3 का। तो अब जो रेशियो है वो लास्ट नंबर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 5। लास्ट नंबर ही का ही लास्ट नंबर ही पूछा है, लास्ट नंबर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को। तो जब ये 3 का मल्टीपल 12 है तो मुझे पता होगा कि लास्ट वाला नंबर भी जो अदालत में होगा 5 का मल्टीपल ही आएगा। ये 25 क्या आया है, 5 का मल्टीपल। अब ये 5 का मल्टीपल आएगा, मान लो कोई ऑप्शन दिए हैं ऐसे 13, 14, 15 ऐसे करके दिए, तो अब मुझे पता है इनमें 5 का मल्टीपल कौन सा है, 15 है। तो मैं सवाल को सॉल्व भी नहीं करूंगा और आगे इसको टिक कर दूंगा, 15 आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये होगा उसी केस में, सिर्फ उस केस में क्या बनना हो, इंटीजर बनना हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर। वो कैसे चेक करेंगे कि 12 है, 12 थ्री जा ये 4, 4 क्या आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है। और अगर ये 4 अगर इसमें पॉइंट में आ रहा होता तो अनसर्टेनिटी थी, वो तो तब भी सकता था लेकिन अनसर्टेनिटी थी उस केस में, लेकिन इस केस में 100% पॉसिबल होगा, तो इसका आंसर 15 आ गया। अब यह इस सवाल को और कैसे कर सकते थे कि इनका रेशियो क्या दिया, 3:5, इनका रेशियो दिया 3:5। अब अगर इनका रेशियो 3:5 दिया है तो मुझे पता है अगर पहला नंबर ए है वो कितना रहा होगा, 3, दूसरा नंबर बी है वो कितना रहा होगा, 5। अब ए की वैल्यू तो यहाँ 12 दी है, अगर ए की वैल्यू 12 दी है अगर, तो 3 अगर 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3x किसके बराबर है, 12 के बराबर, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये वाला x वो वाला x अलग अलग है क्योंकि ये 3 रेशियो को बैलेंस करने के बाद है, ये सिर्फ 2 रेशियो का ही है। तो 3x इज इक्वल टू x की वैल्यू 4 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 4 है तो 3:5 है ऊपर वाले रेशियो का, तो 3 अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो जो दूसरा नंबर 5x वो क्या रहा होगा, 5x होगा दूसरा नंबर। और अगर 5x होगा तो x की वैल्यू कितनी डाली हमने, 4, x की वैल्यू 4 डाली तो ये किसके, ये क्या है, बी है। ये अगर बी है तो एक्स की वैल्यू 4 डाली तो 5 × 4 ही कितना हो गया, 20 हो गया। अब मुझे बी की वैल्यू पता लग गई 20 है, अगर मुझे अब बी की वैल्यू पता लग गई 20 है तो एक किस रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक एक और लास्ट वाली वैल्यू 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये 4x रहा होगा, ये 4y मान लो आपको कन्फ्यूजन ना हो, 4y, 4y किसके बराबर होगा, 20 के बराबर। अब अगर 4y 20 के बराबर हो गया तो y किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। और अगर y 5 के बराबर हो गया तो 5y रहा होगा ये वैल्यू, तो ये वैल्यू 5, c की वैल्यू क्या रही होगी, 5y। और अगर c की वैल्यू 5y रही होगी तो 5 × 5 कितना आ गया, 25 आ गया। अब ये तरीके हैं, आपको जो सा तरीका सूट करता है, जो सवाल का फॉर्मेट क्या कहता है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं तो अभी कर दूंगा इसको कि 3 इसका 4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है तो ये कितना हो गया, 20। और ये अगर 4 वैल्यू अगर 20 को रिप्रेजेंट कर रही है तो 5 वैल्यू कितने को रिप्रेजेंट करेगी, 25 को रिप्रेजेंट करेगी, तो ए ऐसे हो जाएगा। तो ए सवाल हो गया।